लेकिन जब हमार टाइगर जयराम दादा अलन तो हम जितना झारखंडी है सब जाए गलिए है। अब कोई पार्टी के बीजेपी कांग्रेस और आरजेडी आसू लंद फन कोई भी पार्टी है झारखंड में हमार ना चलते, सिर्फ चलते टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेबीके से। कितना बड़ा मोदी जी को इतना बड़ा पार्टी है कमल छाप का, ओकरा हरा दीजिएगा एकदम 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 कबाड़ देंगे। पांच केजी जो राशन हम लोग को दिया जाता है वो 5 केजी से चलने वाला नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। जेबीकेएसएस के कुछ सैनिक है हमारे साथ, उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में जेबीकेएसएस चतरा में क्या लेके आई है। स्वागत है भाई, अपना नाम परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले मेरा नाम कैलाश कुमार महतो हुआ, मैं जेबीकेएसएस के सिपाही हूँ सिमरिया से, और मेरा घर सिकरी हुआ। और सबसे पहले मैं आपका बॉम्बे न्यूज का जोहार करता हूँ और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार नमस्कार है। मैं कहना चाहूँगा कि आज झारखंड हमारे पूर्वजों ने 88 साल से लड़ाई करते करते झारखंड राज्य को अलग किए, बिहार से मेरा झारखंड राज्य अलग हुआ। एक भाई मेरा बिहार हुआ, एक भाई झारखंड हुआ, बड़ा भाई बिहार छोटा भाई झारखंड। मान के चलिए एक भाई के जब मिल गया बालू और पानी और एक भाई के मिल गया खनिज संपदा, तो कहने का मतलब है जब एक भाई के खनिज संपदा मिला ही है तो फिर दूसरे भाई यहाँ पर प्रवेश क्यों होते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि हमारा पूर्वजों ने इतना जुल्म सहे और लड़ाई लड़े और हमारे माताएं बहने हमारे माँ अपने बाल बच्चों को पति को मतलब गराहें, और आज देखिए हम लोग को नतीजा झारखंड में क्या हो रहा है। तो हम लोग ठान लिए हैं 2024 में लोकसभा चुनाव में कि हम लोग एकदम बहुत मतलब मजबूती से झारखंड में जितने भी 8 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जयराम दादा ने 8 लोकसभा को टिकट दिए हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं, हम लोग ठान लिए हैं कि एकदम निश्चित तौर पर कि चुनाव हम लोग को जीत हो, और जीतेंगे भी, और जीतेंगे भी, क्योंकि हम लोग को झारखंड में कई एक दिनों से मतलब 24 साल हो गया है, 24 सालों से हम लोग को ठकी जा रहे ठग रहे हैं यहाँ के सांसद विधायक। झारखंड में 24 साल से सांसद और विधायक बन रहे हैं पर हम लोग को झारखंडियों के हित के लिए सोचते नहीं। क्या लग रहा है कि इतना बड़ा मोदी जी को इतना बड़ा पार्टी है कमल छाप का, ओकरा हरा दीजिएगा एकदम 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 कबाड़ देंगे। पांच केजी जो राशन हम लोग को दिया जाता है वो 5 केजी से चलने वाला नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए। एक रोजगार अगर दी मिल जाता है फ्री में ना, जो सुनो ये मिला है, एक घर में रोजगार मिलता है तो हम लोग सब परिवार को, 5 परिवार को नहीं पूरे परिवार को हम लोग पोष पाल लेंगे, खिला पिला लेंगे। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को झारखंड राज्य 24 सालों में आज तक स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ, शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ, यानी कोई नीति हम लोग को झारखंड में लागू नहीं हुआ। आखिर क्यों हर राज्य में नीति लागू है, यहाँ क्यों नीति लागू नहीं हुआ? भाजपा के लोग तो बोल रहे हैं कि 14 सीटें पर कमल खिलाएंगे। अब बोलने से नहीं होता है दादा, बोले से होते हो, बोले से ना होता है। अब हमें झारखंडी जाग चुका लिया है, झारखंडी हमें जाग चुका लिया है, पूरे झारखंड के, पूरे झारखंडियों के, हमारे जयराम दादा टाइगर दादा जो है ना से पूरा जगा दिल है, हाँ टाइगर बना दिल है। जितना भी हमें झारखंडी है ना दादा, वो सब हमें जाग चुका लिया है, पहले जागल ना हलिये, लेकिन जब हमारे टाइगर जयराम दादा अल ने तो हमें जितना झारखंडी है सब जाए गलिए है। अब कोई पार्टी के बीजेपी कांग्रेस और आरजेडी आसू लंद फन कोई भी पार्टी है झारखंड में हमार ना चलते, सिर्फ चलते टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेबीकेएसएस जेएलकेएम। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ऐसे टाइगर के सैनिक है, और जैसे कि बताया जेबीकेएसएस जेएलकेएम में बदल चुका है जो चुनाव आयोग ने दिया है, और कहीं ना कहीं आपको बता दे कुछ ही दिनों में लोगों को सैंपल भी मिलने वाला है और ये अपन नॉमिनेशन करवाएंगे, और जिस तरह की दहाड़ है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि झारखंड में कुछ तो कुछ बदलाव होने वाला है। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं बॉम्बे न्यूज़। धन्यवाद।